तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मात। देशवासियों को और देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि कुछ समय पहले प्रदेश में आम चुनाव हुए, प्रदेश के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। संविधान की मूल धारणा है कि जो राजनीतिक दल अपने वक्तव्य दें, जनता से वादे करें, जनता के सामने जो अपना घोषणा पत्र लेके जाए और उसके आधार पर वोट ले, तो फिर अक्षर से संविधान की भावना होती है कि उसका वो पालन करे। दुख है इस बात का कि प्रदेश के दो महीने की, लगभग एक महीने 45 दिन की जो सरकार है, आज गणतंत्र की बातें और भाषण तो खूब होंगे पर एक शब्द भी उस संविधान की, उस मूल भावना की जो आपने जनता के सामने प्रेषित किया, उस पर आप मूल बात प्रदेश के सामने लेके आए, इस सरकार ने नहीं किया है, जो हमारे लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। देश के जो हालात है वो चाहे महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, जो सामाजिक सर्वधर्म संभाव की भावना इस देश की मूल संविधान की धारणा है, उसकी बात हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो या जनप्रतिनिधियों के की ताकत की बात हो, इन पर भी संकट घेराता जा रहा है। जो 75 साल वर्ष की यात्रा में देश के हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने, जो पदों पर रहे उन नेताओं ने इसकी रक्षा की, आज वो संकट में है। आप देखो कि 145 सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास करवा लेना, ये तो मूल धारणा नहीं थी संविधान की। विधानसभा से विधायकों को निष्कासित कर देना, ये धारणा नहीं थी संविधान की। ये धारणा भी संविधान की नहीं थी कि जो राजनीतिक रूप से ताकत देती वो संस्थाएं जो स्वायत्त होती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, उनको कमजोर किया जाना, ये सब देश के सामने आज इस संविधान दिवस पर प्रश्न है। देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है और ये सारी भावनाएं ये बताती है कि लोकतंत्र में जो आम नागरिक है उसको और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और इस संकट के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एसआई की रिपोर्ट आई सर, उसमें 42 तरीके के तथ्य मिले हैं कि ज्ञान बाबू को हिंदू मंदिर था। कल ही रिपोर्ट आई, आज प्रकाशित की गई है। देश के संविधान पर हमें भरोसा है और जो लोकतंत्र और अदालत जो भी निर्णय इन मामलों में लेती है उसके मैं राजनीतिक दलों को मैं समझता हूँ वक्तव्य नहीं देना। के लिए बेल आइकन को दबाएं।